पेयजल और स्वच्छता मिशन द्वारा जिला स्तर पर जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यदायी संस्था का निर्धारण होना है। जो संस्था तो आप पहले से ही निर्धारित करके भेज दिए हैं हमें, मतलब चयन हमें करना है और आप तो पहले से ही चयनित करके भेज दिए हैं, नाम भी लिखा है इन्होंने कंपनी का। दूसरा पॉइंट, त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारूप के बिंदु संख्या 5, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट पार्टी के उपबिंदु संख्या 9 में उल्लिखित टू अपॉइंट थर्ड पार्टी एजेंसी टू ओवरसी द वर्क बिफोर पेइंग द एजेंसी के अनुसार उल्लिखित थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन भी जिला पंचायत एवं पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना है, जबकि पूर्व में ही आपके द्वारा अनुबंध संख्या 54ED 2021 दिनांक 12/3/2021 की छाया प्रति संलग्न है के अंतर्गत आरवी एसोसिएट्स का चयन कर जनपद को अनुबंध अवगत कराया गया। यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किस कंपनी के द्वारा कराया जाएगा ये भी जिला स्तर पे ही तय होना था, लेकिन साहब आपने तो पहले से ही तय करके हमें बता दिया कि यही आपका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करेगा। तीसरा, मैं क्यों कह रहा हूं कि होली में कपड़ा फाड़ के आकाश जैन जी ने इनको केवांच लगा दिया। तीसरा पॉइंट, त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारंभ संख्या 5, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट पार्टी के उपबंधु संख्या 15 में उल्लिखित फैसिलिटेट डिप्लॉयमेंट ऑफ एनजीओ बीओ सीवीओ पार्टनर्स इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी, यानी इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के लिए के अनुसार आईएससी का निर्धारण भी जिला पेयजल और स्वच्छता मिशन के द्वारा किया जाना है, जबकि आपके पत्रांक संख्या 24/04W314/2021-25/1/2021 की छाया प्रति संलग्न द्वारा पूर्व में ही जनपद अमरोहा 2 आईएसए क्रमशः महिला उत्थान एवं ग्राम उद्योग विकास समिति और एक संस्था का मंसूरी एकेडमी संस्था का चयन किया गया है। क्षेत्र के लिए 10% एवं एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र के लिए 5% जन सहभागिता की जानी है, जो नगद वस्तु श्रम के रूप में ली जा सकती है। यानी 1 करोड़ का काम है तो 20 लाख रुपए गांव के लोगों से लिया जाएगा और जो एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र होगा वहां पर 10 लाख रुपए लिया जाएगा। अगर 2 करोड़ का काम है तो 20 लाख रुपए लिया जाएगा 10%, और एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र में 10 लाख रुपए लिया जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि अधिकांशतः जनपद अंतर्गत विरचित की जा रही परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2 करोड़ से अधिक आ रही है, ऐसे में योजना का 10% यानी 20 लाख प्रति सामान्य ग्राम पंचायत एवं 10 लाख प्रति एससी एसटी बाहुल्य ग्राम पंचायत से कम एकत्रित करना होगा, जो एक जटिल लक्ष्य है उक्त धनराशि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व एकत्रित की जानी है अथवा कार्य क्रियान्वयन के दौरान है। यदि किन्हीं परिस्थिति में ग्राम वासियों द्वारा सामुदायिक सहभागिता दिए जाने हेतु सहमति व्यक्त नहीं की जाती तब ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार कार्रवाई की जाए, कृपया विस्तृत दिशा निर्देश देना चाहें। यानी 2 करोड़ की योजना में 20 लाख रुपए तो पहले गाँव वालों से वसूला जाएगा, एससी एसटी बाहुल्य क्षेत्र में 10 लाख रुपए वसूला जाएगा, वो नोटिस जारी करके वसूलना है, तहसीलदार भेज के वसूलना है, मार के वसूलना है, थानेदार से वसूलवाना है, कैसे गुंडा टैक्स वसूलना है कृपा करके हमें बताएं। ये तो गुंडा टैक्स है। एक तरफ आपने दाम बढ़ाकर काम निर्धारित किया और उसमें नियम बना दिया कि 10% आपको पैसा गाँव वालों से ही लेना है। तो ये आकाश जैन की चिट्ठी ये साबित करती है कि न सिर्फ नियमों को तार तार किया गया है बल्कि धज्जियां उड़ाई गई। जो काम जिला स्तर पे तय होना था, जो काम जिला स्तर पे निर्धारित होना था, कंपनियों को मिलना था, वो सारे काम नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ा के ऊपर से कंपनियों का नाम तय करके, और कंपनियों का नाम कैसे तय होता है ये आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं,
उनके नाम, संस्थाओं के नाम, एनजीओ के नाम तय कर करके इनको भेजे गए हैं, तो क्यों भेजे गए हैं, इसका एक एक करके सरकार को जवाब देना चाहिए। है कि एस्टीमेट बनाए बगैर टेंडर किया गया था। अब हिंदुस्तान में कोई भी, महेंद्र सिंह नहीं, आप योगी आदित्यनाथ नहीं, मोदी जी नहीं, किसी से भी पूछ के बताइए मुझे, क्या किसी काम का एस्टीमेट बने बगैर, क्या किसी काम का दर निर्धारित किए बगैर किसी योजना का टेंडर हो सकता है क्या? क्या एस्टीमेट के बगैर टेंडर हो सकता है क्या? तो जब टेंडर हो गया, काम अलाट हो गया, जब अधिशासी अभियंताओं की चिट्ठी आने लगी, तब इन्होंने कहा कि साहब नए रेट आप 2021 के निर्धारित करके हमें बताइए। तो पहले जो तीन तीन चार चार साल से जल निगम में काम कर रहे हैं, जिस दर पे उनको रेट, जिस रेट पे उनको काम मिला, उसी रेट पे काम कर रहे हैं। और ये नियम भी है, टेंडर का ये नियम होता है, जिस रेट पे काम आपको मिलता है उसी रेट पे आपको काम करना होता है, चाहे देर में करें चाहे जल्दी करें, चाहे समय के अंदर करें चाहे समय के बाद करें। तो ये चिट्ठी जारी करके आपने अपने भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया कि आप वास्तव में 2 रुपए का काम 5 रुपए में करा के अब कह रहे हैं कि उसका दाम 5 रुपए कर दो। बंद करने का अधिकार है, लेकिन काम तो ज्यादा दर के हो रहे हैं, तो इसलिए हमें गाइडलाइन से मुक्ति दिलाइए, ये कैसे एक तरह से ज्यादा के काम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मैं साइन करूं। इसके बाद एक आलोक आकाश जैन की एक चिट्ठी है, अधिशासी अभियंता, 3 अधिशासी अभियंता हो गए, एक निर्दोष कुमार जौहरी जो मेरी बातों की पुष्टि कर रहे हैं कि ज्यादा दाम पे काम हो रहा है, दूसरा एके श्रीवास्तव जो कह रहे हैं कि जो दाम है वो ज्यादा है तो हम इसको कैसे अनुबंध करें, 1 करोड़ के सीमा के आगे, तीसरा आकाश जैन की जो चिट्ठी है वो चिट्ठी ऐसे है कि होली के त्योहार में आपने देखा होगा कि पहले कपड़ा फाड़ के रंग वंग लगा के उसके बाद केवांच लगा देते थे। तो आकाश जैन की जो चिट्ठी है वो होली के कपड़े की तरह इस सरकार के कपड़े फाड़ फाड़ के इनको केवांच लगाने की चिट्ठी है। मैं एक एक करके पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आकाश जैन की चिट्ठी क्या कह रही है? आकाश जैन की चिट्ठी ये कह रही है कि दरअसल इस योजना में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार नहीं हुआ, वो मेरी भी आंख खोल रहे हैं कि संजय सिंह जी जो आपने अब तक आरोप लगाए हैं वो आरोप शायद कम है, ये योजना तो घोटालों से बनी और घोटालों की भेंट चढ़ गई। ये आकाश जैन की चिट्ठी ने इनको जमीन के अंदर पहुंचाने का काम किया, इसको ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, मैं भी दे रहा हूं आपको। नंबर एक, त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारंभ प्रारूप के बिंदु संख्या 5 में यह दिया गया है कि जिला स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना है, जबकि आपके पत्रांक 2372W22NIT2021 दिनांक 23/1/2021 की छाया प्रति संलग्न है द्वारा पूर्व में ही 315 राजस्व ग्रामों हेतु PNC MPML JV मुरादाबाद और 9 ग्रामों हेतु 4 योजना के पुनर्गठन और 5 गुणवत्ता प्रभावित ग्राम हेतु मेसर्स LC इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का चयन कर जनपद को अवगत कराया गया है। तो लोकायुक्त में हम लोग एक मामले में गए हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये NRHM से बड़ा घोटाला है, और जो भी बेईमान लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी हो, या नीचे का अधिकारी हो या ऊपर का अधिकारी हो, उन सबको जेल में डलवा कर ही दम लेंगे। ये मेरी पूरी बात है, अब आपके कोई सवाल? संजय जी, इसमें 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल थोड़ी सी साफ करनी पड़ेगी आपको। एक तो जो कंपनियां इसमें मेन वेंडर हैं, यानी कि जो मुख्य कंपनियां हैं जिनको आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको इंटेंशनाइज काम दिया गया, उनके साथ ये सब वेंडर हैं, कुछ लोग सब वेंडर काम कर रहे हैं, जो मटेरियल्स जिनको पाइप की ज़रूरत है या उनको वाल्व की ज़रूरत है, चीज़ें रश्मि मटेरियल भी उसमें एक पार्ट है, उनका पार्ट है। वो पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई, अब नए सिरे से आज जो आपका ये कहना है, रश्मि मेटेलिक वाला जवाब मैंने आपको कल दे दिया था, आज मैं आपको इस मामले में आपका ये कहना
टेंडरिंग प्रक्रिया जो है उसमें से ये नाम राज्य सरकार ने पहले से तय कर रखा था और कुछ लोगों को चिन्हित करके दिया। दो चीजें मैं कह रहा हूँ, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम सरकार के द्वारा टेंडर से निर्धारित किया गया, यानी कि टेंडर दे दिया गया, तो कन्नौज के अधिशासी अभियंता महोदय कह रहे हैं कि जिस कंपनी को, हैदराबाद की जिस कंपनी को आपने काम दिया है, वो 30-40% ज्यादा दाम लगा रहे हैं, जो वित्तीय अनियमितता है, ये उन्होंने लिखा है। दूसरा, जो काम जिला स्तर पर चयनित होना था राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन की जिला स्तरीय समिति के द्वारा, उस काम के लिए ऊपर से कंपनियों का नाम तय कर करके भेजा गया है, ये आकाश जैन की चिट्ठी निर्धारित करती है। तीसरा, 1 करोड़ के अनुबंध की का अधिकार अधिशासी अभियंता को है, जबकि उससे ज्यादा के अनुबंध कराने के लिए उसको विवश किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, जो घोर वित्तीय निमित्ता है और दबाव बनाने की काम करवाने की कार्रवाई। और चौथा और सबसे बड़ा यह कि जिस संस्था को रजिस्टर्ड करा के काम कराना चाहिए था, SWSM को, वो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं। तो ये 4 बड़े आरोप हैं हमारे, जो कागजों सहित मैंने आपके सामने रखा है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।